बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। बनीनद न्यूज से मैं हूं अबू जर गफारी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाका। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पुलिस के सरबराह खालिद जरदान ने बताया है कि दारुल हुकूमत में होने वाले इस कार बम धमाके में दो लोग मारे गए हैं जिनकी शनाख्त इस वक्त तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि इस वक्त तक किसी शख्स या गिरोह ने इस धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की है। तालिबान की हुकूमत के दावों के बरखिलाफ अब तक अफगानिस्तान में कयाम अमन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सका है, जिसका मुशाहदा मुसलसल दहशतगर्दाना वाकयात की शक्ल में किया जा सकता है। दूसरी जानब अफगानिस्तान के सूबा तखार की पुलिस के दर्जमान अब्दुल मुबीन साफी ने तालकान शहर में दस्ती बम हमले की खबर भी दी है। उन्होंने बताया कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस इलाके में इसी नवियत का एक और वाकया भी रूनुमा हुआ था। इससे कबल अफगानिस्तान में धमाकों की जिम्मेदारी दहशतगर्द गिरोह दाइश ने कबूल की थी। 5 अक्टूबर को होने वाले मस्जिद में जोरदार बम धमाके में कई अफराद जान बहक हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। अफगानिस्तान में एक और खुदकश धमाके में 49 शहदा में से 43 तालबात थीं, इसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने ही कबूल की थी। काबुल में होने वाले एक और बम धमाके में 55 अफराद जान बहक हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। 21 सितंबर को होने वाले धमाके में कई अफराद जान बहक हुए, जिसकी जिम्मेदारी भी दहशतगर्द गिरोह दाइश ने कबूल की थी। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू जर गफारी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।